अरे आप भी ना, क्या कर रहे हो? मदद करना मेरी। ना क्यूट है ये, कितनी छोटी सी क्यूट सी पत्तियां इसकी, प्यारी सी। आप देखना, कुछ हफ्तों में इस पर इतने सुंदर गुलाब खिल जाएंगे ना, और जो नयन का गार्डन है ना, वो चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट गार्डन होगा। बीनो, तुझे ना एक बात बताती हूँ, आज ना एक लड़का आने वाला है मुझे देखने। उसकी फोटो दिखाती हूँ तुझे, ये देख, सोना है ना। बहुत दिन से बातचीत चल रही है मेरी उससे। वीनू के बच्चे तो है भी या मैं ऐसे खुद बके जा रही हूँ? वीनू कहाँ है तू? कुछ दिनों में तेरी दोस्त है ना। ये क्या किया तूने वीनू? सब गड़बड़ कर दी, क्यों करता है तू ये सब? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब मैं इसे कैसे ठीक करूंगी? नयन आई माँ। बस हाँ, बस वीनू, बहुत बदमाशी हो गई। हाँ, अब अगर तूने कुछ भी किया ना, तो फिर तरीके से बात करूंगी मैं, देख लेना। नयन बेटा आई माँ। पुत्र जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग ना निकल चुके हैं। सारा दिन गार्डन में भागती रहती है उस वीनू के पीछे, जाके शीशे में देख अपनी क्या शक्ल बना रखी है। हाय रब्बा, अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? कुछ करने की जरूरत नहीं है माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। देख पुत्र, अब ना तेरे खेलने के दिन गए। सारा दिन भागती रहती है गार्डन में उस मीनू मर जाने के पीछे, अब ना कोई जरूरत नहीं है गार्डन में उस मीनू मर जाने के पीछे पीछे घूमने की। गार्डन में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैंने गार्डन में ना नया माली रख देता है देखभाल के लिए। अच्छा, आपने नया माली रख दिया? हाँ, वेरी गुड। माँ, आपको पता है वीनू कहाँ पे? पता नहीं कब से गायब है, कहाँ गायब है पता ही नहीं। अरे बेटा जी, तेरा ये जो वीनू है ना, ये बस मौला बंजारा है। अरे होगा कहीं घूम रहा होगा, तू उसकी फिक्र छोड़, छति तैयार हो जा। ये तो गलत बात है ना पापा, वीनू की देखभाल मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? तू दस महीनों में की कह रहा, तेरा ब्याह करा दू वीनू दे नाल, घोड़ी चढ़वा दू उसको। तुसी दोनों ना अपनी ये बकवास बंद करो, और तू जाके कुड़िये तैयार हो जा छेती नाल। ओके। कितना तंग करती है ये लड़की मुझे। भुवन तू देख तो ले, हीरा लाया हूँ, हीरा अपनी नयन के लिए। ये मेरे बचपन का यार का बेटा है दुष्यंत, 3 महीने पहले इसके माता पिता एक्सीडेंट में चल बसे, और फिर ये बच्चा अकेला रह गया। मैंने भी कह दिया कि बच्चा मैं तुझे अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं तेरी शादी कराऊंगा, और वैसे भी ये नयन के टच में है। लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कमाता भी अच्छा है, और खुद का घर है। अब वो चाचा जी, वो घर में वो प्रॉब्लम, वो क्या हुआ पुत्र? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसे घर बेचना है। क्या है कि उसे उस घर में अपने माँ बाप की याद आती है। तो मैंने कहा शादी कर ले, उसके बाद जो करना है कर लेना। वैसे नयन कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैं अभी बुलाती हूँ। नयन, नयन बेटा। मैं क्या जी, एक मिनट बात सुनिए। अभी आता हूँ। देखिए चाचा जी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप ये सब
बेटा तू चुपचाप बैठ जा, इतना अच्छा रिश्ता है, एक बार नयन को मिल तो ले, जा देख वो कहाँ है, जा। वीनू, वीनू तू, सारे पौधे कहाँ गायब हो गए? ये पौधा तो मैंने अभी लगाया था, इतनी जल्दी इस पर ये गुलाब का फूल कैसे खिल गया? वीनू, वीनू कहाँ है तू? तूने किया है ना ये सब? ये सारे पौधे तूने गायब किए ना? हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं जा रही हूँ और अभी से कभी नहीं मिलूंगी मैं तुझे। दिखा दी ना तूने अपनी दोस्ती और बता दी ना तूने अपनी वैल्यू। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अब आया है तू, चल अब छोड़ मुझे। अरे ये तो अटका हुआ था। कौन हो तुम? तुम वो नए माली हो ना? हाय नयन। दुष्यंत। हाय, वो आपकी मम्मी आपको ढूंढ रही है। आपको आवाज लगाई, आपने सुनी नहीं तो उन्होंने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। व्हाट्सएप डीबी पर तो आप ठीक ठाक दिखते हो, पर यहाँ तो। हाय नयन। क्या हुआ दुष्यंत जी, मेरे हाथों में कांटे लगे हैं क्या? सॉरी दुष्यंत, वो मेरे दोस्त है ना, वो एक्चुअली ना आज मैंने सुबह गुलाब के पौधे लगाए थे और उसमें इतने सारे गुलाब खिल गए, मैं तो हैरान ही हो गई। मुझे लग रहा है पक्का वो मेरा जो दोस्त है ना। नयन, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। सच्ची? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे इसलिए तो मेरा नाम नयन है बुद्धूराम। वैसे आप ही कोई बुरे नहीं दिखते हो, व्हाट्सएप डीपी से बेटर ही दिखते हो। थैंक्स नयन, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? किसी ने कुछ बोला मेरे बारे में? नो, क्या आपको भी मैं पागल सी लगी? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी फैमिली में ना सबके सब थोड़े से पागल है। पता है जब मुझे बुखार हो जाता है ना, तो मेरे जो पापा जी है ना, वो ना डॉक्टर को नहीं बुलाते, वो एक अच्छा सा गाना बजा देते और वो गाना सुन के मैं ठीक हो जाती हूँ तुरंत। और वो जो मेरा दोस्त है ना, उसे। तुम बहुत अच्छी हो, बट मैं नहीं कर सकता ये शादी। आई कांट। क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे एक गुड रीजन बता दीजिए कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, मैं मान लूंगी। वो मेरा घर, मेरा प्रॉब्लम। जुड़ने लगी
मुझे पता था दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। अब भुवन भाई जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दो। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। हे दुष्यंत, कहाँ रह गए? इस घर में शायद रिवाज है दूल्हे का लेट आने का, या फिर नई दुल्हन को वेट कराने का। मेरा फेवरेट आई ना, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ मैं। अरे कोई जाकर दुष्यंत को बताएगा कि सुहागरात पे कमरे के अंदर भी आना होता है। क्या करूं? तब तक पुराना वाला रोमांटिक गेम ही खेल लेते हैं। वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, आना ही पड़ेगा। कांटे क्यों दिख रहे थे? हाय रब्बा, मेरी आंखों में इतनी नींद भर गई है कि मुझे फूल और कांटों का फर्क ही नहीं पता चल रहा है। और एक ये दुष्यंत है जिनका कोई अता पता ही नहीं है। बहुत नींद आ रही है। दुल्हन को सुहागरात पे इतना इंतजार करवाता है, कैसा झल्ला दूल्हा है मेरा। आपके लिए दूध रखा है, पी लेना। ये कैसी आवाज निकाल के दूध पीते हैं आप? मुझे बहुत नींद आ रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज खुद खुद ही मत करिए। अरे ये बेड के बजाय काउच पे कैसे?
लतीफ, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। और आप यहाँ कैसे? और कल रात तो आपने एक मिनट, कहीं मैंने तो आपको बिस्तर से नहीं गिरा दिया ना? वो क्या है ना, मेरे अंदर ना रात में ना ब्रूस ली की आत्मा चली जाती है और फिर मैं जुब सैप जुब। और आप नीचे नयन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की थी? पता है, मुझे पता है। फिर से वही कहेंगे ना आप कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम ऐसी हो, मैं वैसा हूँ। नयन, एक बार शांति से मेरी बात सुन लो प्लीज। अच्छा, शांति से आपकी बात सुनूं? बोलिए। बताइए, सुन रही हूँ। अरे ये गलत है, ये गलत। आप कल रात को गुदगुदी कर रहे थे, वो ठीक था, अब मैं करूँ तो गलत है। गुदगुदी? हाँ, आप ही तो कर रहे थे कल रात को। नहीं, मैं नहीं हो सकता वो, मैं मेरा वो मेरा सुंदर सुशील सीधा सादा पति। नयन, मेरी बात सुनो एक बार कि मैं क्या। बस, मैं बहुत सुन चुकी। अगर अब आपने एक लफ्ज भी निकाला ना, तो मैं गुदगुदी करूंगी। अब नहीं, ओके, ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ते के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं यूं आई। आओ, अंदर आओ ना। रातों के जागे सुबह मिले हैं, रेशम के धागे ये सिलसिले हैं, लाजमी सी लगने लगी है। ये गलत है, ये गलत। अच्छा जी, आप कल रात को गुदगुदी कर रहे थे, वो ठीक था, अब मैं करूं तो गलत है।
बेटा जी, नई बहू के लिए नाश्ता लगा दूं कि नहीं? हाँ हाँ, देखिए ना, वो कमरे में ही होगी जी। बेटा जी, नई बहू कमरे में नहीं है। अरे तुम यहाँ? अरे वाह, माय गॉड, तुम यहाँ पे भी काम करते हो? अरे वाह, अच्छा किया दुष्यंत ने जो तुम्हें यहाँ काम पे रख लिया। अरे अरे, अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? इसका यूज करो ना। ठीक है, ओके। तुम कौन सा पौधा लगा रहे हो? गुलाब का? मुझे ना गुलाब बहुत पसंद है। पता है, घर पे ना मैं और वीनू भी ना ऐसे ही क्या करते थे। वो मिट्टी खोदता था और मैं ना पौधा लगाती थी। वीनू है ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा फेवरेट वाला, बहुत प्यारा है वो। मैं ना उसे बहुत मिस करती हूँ। हमने ना एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। थैंक यू। नयन, तुम क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही थी? पतिदेव, ये लीजिए आपके लिए, आप ही के गार्डन का एक प्यारा सा गुलाब का फूल। गुलाब का फूल मेरे गार्डन? ये सब जब तक माँ थी, माँ देखभाल करती थी, पर उनके जाने के बाद तो एकदम बंजर था। ये इतने सारे फूल, तुम्हें ये गुलाब किसने दिया? उसी माली ने। अच्छा किया आपने उसे यहाँ काम पे रख लिया। अरे क्या कोई माली नहीं है यहाँ पे? आप क्या बोल रहे हैं पतिदेव? अरे अब भी बात हुई मेरी उस माली से और मैंने ना उसे वीनू के बारे में भी बताया। एक मिनट, अभी वीनू कौन है? उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको उस माली से मिलाती हूँ, आइए। कहाँ कोई माली है? नयन, उठो। नयन, क्या? बेटा जी, इतवार के चक्कर में कोई डॉक्टर मिला ही नहीं। नयन, उठो। नयन। बेटा जी, आप जाकर कुछ खा लो, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। नहीं काका, देखिए ना नयन को, सुबह से इसे होश ही नहीं आया। आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। किसी ने कुछ बोला मेरे बारे में या आपको भी मैं पागल सी लगी? वो एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है मेरी फैमिली में ना सबके सब थोड़े से पागल है। आपको पता है जब मुझे बुखार हो जाता है ना, तो मेरे डैडी है ना वो किसी डॉक्टर को नहीं बुलाते, अच्छा सा गाना बजा देते और वो सुनते ही ना मेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। कुछ इस तरह रात तुम जरा कुछ इस तरह रूह की परवाज़ पे है परिंदे इश्क़ के।
को चाहत की नजर से देख आसमां, आँख में जो अश्क है चांद को भी राश्क है, लिख रहे हैं प्यार की हम ऐसी दास्ता, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। तुम मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी नयन, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बता रहे उसको। समझते क्यों नहीं हो तुसी? देखो हम उसे नहीं बताएंगे तो उसको कहीं बाहर से पता चलेगा, और उसे जब बाहर से पता चलेगा ना तो उसको बहुत धक्का लगेगा। मेरी बात मान जाओ, हम उसको बता देते हैं। मानते क्यों नहीं हो आप? अब बाप हूँ मैं उसका, कोई दुश्मन नहीं हूँ। देख गल सुन मेरी, उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ हुआ ना तो सारे सियापे की जिम्मेदार तू होगी। हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। नयन, नयन, हमेशा गुदगुदाते रहते हो। आ, क्यों नोच रहे हो मुझे? छोड़ो। नयन, नयन, क्या हुआ नयन? नयन, नयन क्या हुआ? ये सब कुछ किसने किया? अच्छा जी, पहले तुम लाइट्स ऑफ करो, फिर मेरे पास आओ, और फिर मुझे गुदगुदाओ, और फिर मुझे पूछते हो ये कैसे हुआ। ये देखो, ये तुमने ही नोचा है ना। छोड़िए इसे, प्यार के निशान है ये, इन्हें प्यार से अपने पास रखते हैं। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? कितनी बार कहा है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं कर सकता। अरे आज तक मैं तुम्हारे बेड तक भी नहीं आया हूं। क्या आप लड़कियों जैसे शर्मा रहे? जब आप मुझसे प्यार करते हैं तो कहने में कैसी शर्म? मैं प्यार करता हूँ नयन, बहुत प्यार करता हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हो सकते आप? अपनी बीवी के साथ ऐसे पल बिताने के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? क्योंकि मुझ में कमी है। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता नयन,
मेरा इलाज चल रहा है, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। यही बात मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था। देखो अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, पर उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर आप नहीं थे तो फिर वो कौन था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो कौन था। सही में आप नहीं थे? नयन, रश्मि, वो मैं नहीं था। इसका मतलब कि कोई है जो मेरा भेस बना के तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है, पर कौन? दुष्यंत, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपकी कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस ये जरूरी है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, पर प्लीज पता लगाइए कि कौन है ये भैरूपिया। नयन देखो, तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। अब तुम मेरे साथ हो ना, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अब हम सब देख लेंगे और ये किस्सा मैं आज खत्म करके ही रहूंगा। नयन, are you okay? डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है ना, अगर कोई भी इस घर में आया ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। सो डोंट वरी नाउ, ओके? चाचा वो गेट पे कैमरा लग गया है, आइए एक बार देख लेते हैं। जी। ये सारे रोजेस कैसे जल गए? ये किसने किया? माली, माली, कहाँ रह गया है माली? वीनू तू है ना? बहुत मिस किया। नयन कहाँ था तू इतने दिन? नहीं पीनो। नयन क्या कर रही हो वहाँ पे? तुम किससे बातें कर रही हो? अरे आओ पतिदेव, वीनो से मिलो। अरे पीनो, 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 पीनो से मिलो। पीनो, पीनो। क्या हो गया? पहले आप अंदर रहिए। एक मिनट, ये वीनू कौन है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है ये वीनू? आप जानते हैं क्या उसे?
अच्छा तो वीरू एक बिल्ली है। मैं और एक बात बताइए, फिर नयन वीनू के पीछे घर से क्यों भागी और वो यहाँ पे क्यों नहीं आई है? ये आप क्या कह रहे हो पुत्र जी, नयन वीनू के पीछे भागी? हाँ, ये आप क्या बोल रहे हो पुत्र जी, वीनू को मरे हुए तो एक हफ्ता हो गया। आपकी शादी से पहले एक्सीडेंट में वीनू की मौत हो चुकी है। नयन, नयन क्या कर रही हो वहाँ पे? अरे आओ पतिदेव, वीनू से मिलो। अरे वीनू, इसका मतलब नयन एक मरी हुई बिल्ली के पीछे भाग रही थी। नयन की आदत नहीं पता है पुत्र जी, वो हर चीज को ना एक अलग तरीके से सपना बना लेती थी, इसलिए उसे वीनू से इंसानों की तरह प्यार था। अब ठीक कह रहे हैं पापा जी, नयन के प्यार नहीं वीनू को वापस इंसानी रूप में आने के लिए मजबूर कर दिया हो। तुम्हें ये गुलाब किसने दिया? सीमाली ने। अच्छा कि आपने उसे यहाँ पे काम पे रख लिया। और हर रात ये तुमने ही नोचा है ना। नयन के पास फिर वीनू? ये आप क्या कह रहे हैं पुत्र जी? मम्मी जी, आपने वीनू को कहीं दफनाया तो होगा ना? हाँ वो मुझे पक्का यकीन है नयन वहीं पे होगी। यही दफनाया था हमने वीनू को। जाने दो उसे। नहीं। अगर तुम ऐसी शांत नहीं होगी तो उसे शांति नहीं मिलेगी। नयन जाने दो उसे। अपने दोस्त को अपना आखिरी अलविदा कह दे बेटा। नयन, तुमने सच में उसे अपना दोस्त माना है, उसे इंसान का दर्जा दिया है, इसलिए मरने के बाद भी वो तुम्हें मिलने आया था, तुम्हें लेने आया था। जाने दो उसे। सॉरी वीनू, मुझे माफ कर दे।